अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, एग्री वीकली कॉन कॉल में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता एग्री मार्केट के लिए थोड़ा रिलीफ भरा रहा, जिस ढंग से मानसून का अपडेट अभी भी अनसर्टन रहा है। पहले हमने देखा मानसून में अर्ली विड्रॉल था, बट कहीं ना कहीं अब कंफर्म हो चुका है, पिछले 8 दिन के अंदर जो मानसून रहा है वो काफी कम रहा है, जिसके चलते हमने प्राइजेस के अंदर भी एक जंप आते हुए देखा है। पहले अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो कैस्टर 0.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, मेंथा में 2.5% की बड़ी गिरावट आते हुए दिखाई दी, कॉटन कॉम्प्लेक्स में लोअर लेवल से काफी शानदार रिकवरी आते हुए दिखाई दी, गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर भी लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आते हुए दिखाई दी, मसालों के अंदर मिला जुला ट्रेड रहा है, बट अभी भी दबाव धीरे धीरे बन रहा है। सबसे पहले कैस्टर की बात करें तो चाइना लॉकडाउन के चलते हायर साइड पे प्राइजेस में फिर से दबाव देखा गया, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है कैस्टर ऑयल का, और साथ में अभी स्विंग का जो पीरियड है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हो सकता है स्विंग में बढ़ोतरी हो जिसके चलते प्राइजेस के अंदर एक गिरावट बन रही है। बट टेक्निकली देखे थोड़ा पुलबैक जरूर है, बट आगे जाके इंडस्ट्रियल डिमांड काफी बढ़नी है, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देखना है कि स्विंग प्रोग्रेस कैसी रहेगी। तो टेक्निकली अगले हफ्ते के लिए 7,350-7,320 का सपोर्ट रहेगा, वहां पे बाइंग करके चलिए। ऊपर में ब्रेकआउट आपको 7,540 के ऊपर मिलेगा, जो 7,700 तक का लेवल दिखा देगा, बट पहले गिरावट मिलेगी, इस गिरावट में ही हमें लेके चलना है। मेंथा ऑयल में अराइवल प्रेशर के चलते प्राइजेस में 2.5% की गिरावट आई, बट हिस्टोरिकली देखे तो 1,000-1,020 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में माना जाता है। कहीं ना कहीं एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है, यील्ड में ड्रॉप है, जो आगे जाके प्राइजेस को सपोर्ट करेगी, बट बाइंग कहीं पे भी दिखाई इसलिए भी नहीं दे रही है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड एज ऑफ नाउ सफर कर रही है, जिसके चलते प्राइजेस में गिरावट थी। बट जैसे मैंने कहा था कि पिछले 1-2 साल में हमने देखा है 1,020 के नीचे प्राइजेस ज्यादा करके सस्टेन नहीं किया, तो अगला अपना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर 1,025 के ऊपर प्राइजेस होल्ड करता है तो 1,056-1,060 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन कॉम्प्लेक्स में हमने देखा है कि जिस ढंग से मानसून की देरी की वजह से सोइंग में भी देरी बताई जा रही है, नो डाउट फेवरेबल वेदर कंडीशन हमने यूएस में बनते हुए देखा, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव भी बनता हुआ दिखाई दिया, बट कहीं ना कहीं वापस डिमांड में इंप्रूवमेंट है, जिसके चलते प्राइजेस 140 सेंट के ऊपर इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में 47,000 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। सोइंग में अगर थोड़ा भी पिछड़ता है तो कहीं ना कहीं पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स को वापस सपोर्ट मिलेगा, बट ध्यान रखिए कोई बड़ी पोजिशन ना बनाइए क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन टाइम टू टाइम रहेंगे। तो अगले हफ्ते के लिए 45,200 का सपोर्ट रहेगा एंड 48,200 का रजिस्टर रहेगा। हो सकता है प्राइजेस 47,500 से 48 के करीब जाता है तो वहां पे एक सेलिंग प्रेशर बनाया जा सकता है, सेलिंग की जा सकती है, बट डाउनसाइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा 45,500 में। कॉटन सीड ऑयल के जैसे हमने बताया था कि 2,750 के नीचे नहीं जाएगा, 2,950 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, नई तेजी के लिए 2,950 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगला हफ्ता अगर 2,800-2,810 के करीब मिले तो वहां पे बाइंग पोजीशन बना के चलिए, 2,920 का लेवल तोड़ने पे ही हम 2,980 तक का लेवल देख पाएंगे। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर मानसून के अपडेट के बाद प्राइजेस को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिला है, एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी बनाने की उम्मीद है, क्योंकि रुपए में जो कंटिन्यू फॉल आ रहा है ये कहीं ना कहीं गवार के एक्सपोर्ट को सपोर्ट देगा। साथ में कच्चे तेल में हमने जिस दिन से तेजी देखी, यूएस अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ाने में लगा है, जो गवार को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा, बट अभी भी प्राइजेस क्रूशियल लेवल्स के नीचे कर रहा है। 5,850 5,840 का लेवल तोड़ने पे हम 5,950 से 6,000 का लेवल देख पाएंगे। वहीं गवार गम की बात करें तो 11,340 के ऊपर अगर निकलता है तो 11,850 का टारगेट रहेगा। ओवरऑल अगले हफ्ते में भी गवार स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। मसालों के अंदर तेजी का रुख ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, जब तक 8,300 के ऊपर हल्दी नहीं निकलती है 7,850 से लेके 8,250 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करेगा। वहीं जीरे के अंदर 21,600 के नीचे काउंटर वीक है, बट डाउनसाइड भी रेस्ट्रिक्टेड है, जो 20,800 तक का लेवल मैक्सिमम दिखा सकता है। अंत में अगर हम कोरिएंडर की बात करें तो प्राइजेस एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जो 11,500 के ऊपर नहीं तो 11,000 के नीचे भी नहीं, ये दायरे में मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओवरऑल पूरे एग्री पैक के अंदर मानसून पे डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी अगले हफ्ते। धन्यवाद।